Hello friend, this is Pidahan and you are watching Civil Engineering Basic for you। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ। और आज की हमारी वीडियो है कन्वर्टिंग सिस्टम के बारे में। ये बेसिक नॉलेज है और ये हर सिविल इंजीनियर और साइट पे काम करने वाले साइट सुपरवाइज़र को याद होने चाहिए। ये बहुत बेसिक नॉलेज है। और दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, किसी वक्त इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है और अगर आप लोग कई टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो ये MCQs में भी आ सकती है। तो इसी तरह आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि नंबर वन पे है, 1 फिट इक्वल होता है हमारे पास 12 इंचेस के, 1 फिट इक्वल होता है 12 इंचेस के। और इसी तरह नंबर दो पे 1 फिट इक्वल होता है हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर के। और नंबर थ्री पे 1 फिट इक्वल होता है हमारे पास 304.8 mm के। और इसी तरह नंबर फोर पे है, 1 फिट इक्वल होता है हमारे पास 96 सूत्र के। तो इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि जो ये हमारे पास ये सिंबल लगे होते हैं ये, तो जिधर हमारे पास फिट आता हो तो फिट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये डैश। और जिधर इंच आता हो उसके लिए हम ये डबल डैश ये यूज़ करते हैं। और जिधर सूत्र आता हो उसके लिए हम ये ट्रिपल डैश ये यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, सूत्र के लिए हमने ये लगाए हुए सिंबल और इंचेस के लिए हमने ये लगाए हुए और ये फिट के लिए हमने ये लगाए हुए। तो ये आप लोगों को, ये आप लोगों के जहन में होने चाहिए। तो इसी तरह नंबर फोर पे हमारे पास था, 1 फिट इक्वल होता है 96 सूत्र के। और नंबर फाइव पे हमारे पास है, 1 फिट इक्वल होता है हमारे पास 0.3048 मीटर के। नंबर सिक्स पे 1 इंच इक्वल होता है हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर। और इसी तरह नंबर सेवन पे हमारे पास है, 1 इंच इक्वल होता है हमारे पास 0.0833 फिट के। और नंबर एट पे हमारे पास है, 1 इंच इक्वल होता है 8 सूत्र के। और नंबर नाइन पे हमारे पास है, 1 सूत्र इक्वल होता है 3.175 मिलीमीटर के। और इसी तरह आखिरी नंबर टेन हमारे पास है, 1 mm 1 mm इक्वल होता है हमारे पास 1000 माइक्रोन्स के। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप लोगों ने मीटर को फिट में कन्वर्ट करना हो या फिट को मीटर में कन्वर्ट करना हो, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना हो, तो ये सब ये आप लोगों को हमने ये लिखे हुए। तो इसको देख के आप आसानी से उस कन्वर्टिंग सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह दोस्तों आप लोगों को ये सिंबल जहन में याद रखनी चाहिए कि फिट के लिए हमने ये इस्तेमाल करना है और इंच के लिए हमने ये इस्तेमाल करना है और सूत्र के लिए हमने ये निशान इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह दोस्तों आप लोगों ने आज की वीडियो देखी कन्वर्टिंग सिस्टम के बारे में। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग और टॉपिक इसके बारे में अपलोड करते रहेंगे, कन्वर्टिंग सिस्टम के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।